नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल पे मैं आपका स्वागत करती हूँ। मेरा नाम है एकता। आज मैं बनाने जा रही हूँ आलू फ्राइड पराठे, जो खाने बहुत टेस्टी होते हैं। जिसके लिए मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं, ताजा आटा गुथा हुआ लिया है और स्प्रिंग अनियन लिए हैं। आप इसकी जगह लाल प्याज भी यूज कर सकते हैं। अजवाइन लिए 1 छोटा चम्मच, चाट मसाला 1 छोटा चम्मच, धनिया पत्ता लिया है मैंने, अदरक लिया है 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया जिसको मैंने कूट लिया है, धनिया पाउडर लिया है 1 छोटा चम्मच, 2 हरी मिर्च लिए जिसको बारीक काट लिया, 1 चुटकी हींग, नमक स्वाद के अनुसार 1 छोटा चम्मच, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 1 छोटा चम्मच, ऑयल चाहिए हमें पराठे फ्राई करने के लिए। सबसे पहले हम आलू को कद्दूकस कर लेंगे जिससे कि इसके अंदर गांठे ना रहे। आप या तो आलू कद्दूकस कर लिए या आलू मैशर से मैश कर लीजिए। देखिए मैंने सभी आलू कद्दूकस कर लिए हैं। अब हम इनमें हरी मिर्च डाल देंगे बारीक कटी हुई, धनिया पाउडर डाल देंगे, धनिया पत्ता डाल देंगे, स्प्रिंग अनियन डाल देंगे, चाट मसाला डाल देंगे, अदरक डाल देंगे कुटी हुई, लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे, अजवाइन डाल देंगे, जीरा पाउडर डाल देंगे और नमक डाल देंगे अपने टेस्ट के हिसाब से। गरम मसाला डाल देंगे, ये ऑप्शनल है। अगर आपको गरम मसाले का टेस्ट पसंद है तो डालें, नहीं तो ना डालें। और सभी मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब मसाला मिला के चख के देख लीजिए, अगर आपको नमक मिर्च कम लग रहा है तो आप और डाल सकते हैं। हींग डाल देंगे 1 चुटकी, इसे भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। मसाला बनाने के बाद आप चख के देख सकते हैं इसे। अब पराठे बनाना शुरू करेंगे, गैस ऑन करेंगे, गैस पे पैन रखेंगे, गर्म होने देंगे उसे, और कढ़ाई वाला गैस हम बाद में ऑन करेंगे, पहले पराठा सेक लेंगे। अब हम एक बड़ी लोई लेंगे, हमें ज्यादा पतला पराठा नहीं बनाना, थोड़ा मोटा पराठा बनाएंगे। बेल लेंगे अब हम इसे, देखिए इस तरह से बेल लेंगे, रोटी जितना बड़ा बेल लेना है हमें। अब हम इसमें मसाला भरेंगे। मसाला आप अपने हिसाब से कम या ज्यादा भर सकते हैं। बंद कर देंगे पराठे को अच्छे से, लोई को अच्छे से बंद कर देंगे और इसको सूखे आटे में अच्छे से लपेट लेंगे। देखिए मैंने सूखे आटे में अच्छे से लपेट लिया है। अब हम इसे हल्के हाथ से बेल लेंगे। ज्यादा जोर नहीं लगाना पराठे पे, हल्के हाथ से ही बेलना है हमें। आप थोड़ा कम स्टफिंग इसमें मसाला भरे। देखिए फ्रेंड्स, पराठा बेल चुका है। आप कम स्टफिंग भरेंगे तो ये निकलेगी नहीं। अब हम इसे तवे पर डाल देंगे सिकने के लिए। तवा गरम हो चुका है। अब हम दूसरा पराठा बना लेंगे। मसाला भरेंगे, और अच्छे से बंद कर देंगे, लोई को अच्छे से बंद कर देंगे। और सूखे आटे में अच्छे से लपेट लेंगे। बेल लेंगे इसे।
ये मैंने पराठा बेल लिया है और वो पराठा भी हमारा सिक चुका है, इसे पलट देंगे। एक साइड से सिक चुका है ये, हमें पराठा सेक के ही फ्राई करना है। गैस ऑन करेंगे, देखिए गैस ऑन कर लिया। अब कढ़ाई के अंदर तेल डालेंगे, हमें इतना तेल डालना है जिससे कि हमारा पराठा जो है कढ़ाई के अंदर अच्छे से डूब जाए। जिस तरह से हम पूरी तलते हैं इस तरह से हमें पराठा भी तलना है। देखिए सिक चुका है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। देखिए इसे अच्छे से फ्राई करना है, एकदम आप देख सकते हैं काफी सुंदर लग रहा है ये पराठा। इस पराठे को भी हम एक साइड दोनों साइड से सेक लेंगे अच्छे से। अब हम इसे पलट देंगे जिससे कि ये दूसरी साइड से भी अच्छे से फ्राई हो जाए। देखिए फ्रेंड्स ये फ्राई हो चुका है, ये दोनों साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है। इस पराठे को भी हम पलट देंगे, ये सिक चुका है एक साइड से। अब हम इसे निकाल देंगे, ये फ्राई हो चुका है। इसका तेल थोड़ी इस तरह से निचोड़ देंगे जिससे कि कढ़ाई में रह जाए तेल, ऐसे टिश्यू पेपर पे रख देंगे, एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर पे रह जाएगा। अगर आप फ्राइड पराठा नहीं खाते तो आप तवे पे सेक के भी इनको खा सकते हैं, ये तवे पे सेक के भी काफी अच्छे पराठे बनते हैं। देखिए इस तरह से डबो देंगे इसको तेल के अंदर अच्छे से जिससे ये फ्राई हो जाए। आप तवे पे भी तेल लगा के पराठों को बना के खा सकते हैं। दूसरी साइड से फ्राई कर लेंगे, एक साइड से अच्छे से फ्राई हो चुका है ये। देखिए फ्रेंड ये दोनों साइड से फ्राई हो गया है, इसे भी हम टिश्यू पेपर पे रख देंगे। देखिए फ्रेंड हमारे फ्राइड आलू के पराठे तैयार हैं खाने के लिए, काफी टेस्टी बने हैं। आप एक बार घर में जरूर बनाएं। अगर आपको पसंद आए अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। कमेंट करके आप जरूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।